कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक तो है ना? बच्चों, क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया हो और आपने भी उसकी बात को सच मान लिया हो? किसी और की बातों पर आप मन ही मन परेशान हुए हो? तो बच्चों, हमेशा याद रखिए कि हमें हमेशा दूसरों की सही बातों को मानना चाहिए, गलत बातों को नहीं। ये बात आज मैं आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाऊंगी। एक समय पहले की बात है, दमदमा नाम की नदी में सोनपरी नाम की एक भोली मछली रहती थी। एक दिन सोनपरी नदी के किनारे पर तैर रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी कि नदी का पानी कैसा है। ये बात सुनकर सोनपरी ने अपना सिर पानी के बाहर निकाला और देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है। सोनपरी मुस्कुराते हुए बंदर से बोली, पानी काफी अच्छा और ठंडा है। सोनपरी की बात बंदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शरारती बंदर सोनपरी को परेशान करना चाहता था। बंदर ने सोनपरी से कहा, सोनपरी आओ पानी से बाहर निकलो और पेड़ पर चढ़कर यहाँ का जंगल का सुंदर नजारा देखो। सोनपरी उदास होकर बोली, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हूँ? मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता और मैं पानी के बिना नहीं जी सकती। अगर मैं पानी से बाहर आऊंगी तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। उदास सोनपरी की बातें सुनकर शरारती बंदर ने उसका जमकर मजाक उड़ाया और हंसते हुए बोला, अगर तुम एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो तुम बिल्कुल बेकार मछली हो सोनपरी, तुम तो पेड़ से नदी का सुंदर नजारा भी नहीं देख सकती। बच्चों, बंदर तो सोनपरी को सारी बातें बोलकर जंगल में वापस चला गया, लेकिन सोनपरी दिन रात बंदर की बातों को सोचकर उदास रहने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि बंदर ठीक कह रहा था, सच में मैं बहुत ही बेकार मछली हूँ। सोनपरी को ऐसे उदास देख करके उसकी दोस्त मनु फिश ने सोनपरी से उसकी उदासी का कारण पूछा। सोनपरी ने मनु फिश को बंदर की सारी बात बता दी। सोनपरी की बात सुनकर तो मनु फिश जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए सोनपरी से बोली, अगर बंदर को ऐसा लगता है कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकती इसलिए तुम बेकार हो, फिर तो वो बंदर भी बेकार है, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी तरह पानी में नहीं तैर सकता और ना ही हम मछलियों की तरह नदी की गहराई में डुबकियां लगा सकता। सोनपरी को अब सारी बात समझ आ गई कि बंदर ने कैसे उसे अपनी बातों में फंसा करके मूर्ख बना दिया। सोनपरी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वो दूसरों के बहकावे में आकर के खुद को परेशान कर रही थी। इस छोटी सी घटना ने सोनपरी को एक बड़ा पाठ सिखा दिया। अब सोनपरी खुश रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही ना कि लोगों की बात सुनकर अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और ना ही लोगों की राय को अपनी राय बनानी चाहिए। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, सबको अलग विशेषता दी है, इसलिए हमें खुद की विशेषता को पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों की विशेषता को देखकर खुद उदास होना चाहिए। बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।